तो गाइस फाइनली हमने ऑलमोस्ट आगरा का जो किला सारा कवर कर लिया है। ऊपर अब कुछ भी नहीं है, हम टॉप पे खड़े हैं इस वक्त। और गाइस मैं दिखा रहा हूँ अपने पीछे ताजमहल पीछे देखो गाइस। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस फाइनली मैं खड़ा हूँ अभी आगरा में ताजमहल के पास। आपने कल लास्ट ब्लॉग देखा होगा, मैंने यहीं पे एंड करा था। तो गाइस फाइनली अभी हम जा रहे हैं आगरा का लाल किला देखने के लिए। अराउंड यहाँ से ना 3 किलोमीटर दूर है। तो अभी सारे बच्चे निकल रहे हैं और स्कूल का जो स्टाफ है सारे निकल रहे हैं। इधर बच्चे भी आ चुके हैं और अपना स्कूल का स्टाफ। यहाँ से ना अराउंड 5 या फिर 20 मिनट लगने वाली हैं आगरा के लाल किला पहुँचने में। तो गाइस दिखाते हैं आपको आगरा का लाल किला। तो गाइस ये अपना स्कूल का स्टाफ पूरा और सारे बच्चे अपने स्कूल के लाल किले के लिए रवाना होते हुए। सो गाइज ओनली 5 मिनट में हम पहुंचने वाले हैं आगरा किला। सामने बोर्ड लगा हुआ है प्रवेश द्वार, यहाँ से आपको दिख रहा होगा गाइज वो रहा सामने। तो 5-6 मिनट लगने वाले हैं, पहुंचते हैं फिर दिखाते हैं आपको आगरा का किला। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं आगरा के किला पे, सामने आपको दिख रहा होगा। तो गाइज ये किला ना बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, पूरे दिन में भी कवर नहीं हो पाएगा हमसे। तो गाइज फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं आगरा के किले पे। गाइज आप मेरे पीछे देख सकते हो आगरा का किला कितना भयंकर लग रहा है। गाइज देख रहे हो किस तरह से बनाया होगा इसे यार। तो गाइज अभी है ना हम यहाँ से टिकट परचेस कर रहे हैं, उसके बाद एंट्री होगी हमारी आगरा के किले में। तो गाइज फाइनली आ चुका अपना टिकट और बाकी फुल स्टाफ अंदर जा चुका है, मैं लेट हो गया। गाइज फाइनली हमारी एंट्री होने वाली है आगरा के किले में। गाइज यहाँ पे दरवाजे पे देखो चैन क्या है ये, दरवाजा बंद करने के लिए गाइज देखो वो लगा हुआ है। तो गाइज फाइनली हमारी एंट्री हो चुकी है अभी आगरा किले में। तो गाइज पता है मेरा स्टाफ ना हर बार मैं अकेला रह जाता हूँ, क्योंकि जो कैमरे का गिम्बल है ना वो रख के आना पड़ता है। मैं पहले भी भूल गया था, आपकी बार भी मैं रखने गया था। तो स्कूल का ना फुल स्टाफ और जो बच्चे सारे अंदर जा चुके हैं, मैं अकेला बाहर हूँ अभी। तो अभी मिलते हैं उनसे, पता नहीं कहाँ पहुँच चुके हैं वो। तो गाइज ये देखिए आगरे के किले का अंदर का नज़ारा कुछ। गाइज मैंने ना पहली बार ऐसा देख रहा हूँ, मैं यहाँ कभी नहीं आया, आज पहली बार यहाँ पर आया हूँ। यहाँ से एंट्री करते हैं गाइज, बाकी लोग तो बहुत ज़्यादा अंदर जा चुके हैं, मुझे पता भी नहीं है कहाँ हैं वो लोग। तो मैं ना इनके जो और बाकी लोग घूमें इनके साथ ही घूमने वाला हूँ यहाँ पे। तो गाइस अभी ना यहाँ चढ़ते चढ़ते ना हालत ख़राब हो गई, हम यहाँ से नीचे से आ रहे हैं और अभी इधर जाना है। ये ऊपर का कुछ नज़ारा और इधर गाइस बहुत ही अच्छा है यार, बट इधर पता नहीं जाने देंगे नहीं। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे और यहाँ का नज़ारा कुछ देखो गाइस कितना ब्यूटीफुल है गाइस, सो ब्यूटीफुल मोमेंट्स। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे ये कितना प्यारा है। मुझे मेरा स्कूल का स्टाफ अभी भी नहीं मिल रहा। और गाइस ये चीज़ देखिए गाइस, गाइस देखो कितना ब्यूटीफुल है गाइस ये देखो। तो गाइस मैं अकेला भटकता हुआ आगरे के किले में अपने स्टाफ से और अपने स्कूल के बच्चों से, मुझे पता नहीं है वो कहाँ पर हैं सारे लोग, बट मैं अकेला ही कवर कर रहा हूँ। लेकिन कोई नहीं, मिलेंगे तो ठीक है, वरना अकेला मैं पहुँच जाऊँगा जहाँ पर हमारी बस पार्किंग में खड़ी हुई है। तो गाइस यहाँ से ना यमुना का व्यू देखना कितना ब्यूटीफुल आएगा। तो अभी चलते हैं इधर, पहले यहाँ से ना फुल यमुना का व्यू दिखने वाला है गाइस। और यहाँ से ना मैं खड़ा हूँ अभी आगरा के किले पे। गाइस मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ से ना ताजमहल बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। गाइस ये देखिए गाइस, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, यहीं से हम पैदल आए थे। अभी हमारी जो बस खड़ी हुई है सामने पार्किंग में खड़ी है, यहाँ से ताजमहल का व्यू। और गाइस जो मेरे स्टाफ के सारे मेम्बर्स हैं वो पता नहीं कहाँ पर है, मैं अकेला घूम रहा हूँ सारे में, मस्ती काट रहा हूँ। गाइस मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का बिल्कुल भी, ऐसा लग रहा है यहीं पर रहो। मैं ना अभी बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका हूँ 3री-4थी मंजिल पर और अभी तक मुझे मेरे स्कूल का कोई बच्चा और स्टाफ मेम्बर कोई भी नहीं मिला है। तो गाइज ये मीना मस्जिद यहाँ पे, बट यहाँ पे लॉक कर रखा है।
अभी जाने वाले हम इधर। सो गाइज आधा घंटे का वेट करने के बाद ना मुझे अब स्कूल के बच्चे और स्टाफ मेंबर सभी मिले, और यहाँ से ना गाइज ये देखो सामने ताजमहल का बिल्कुल क्लियरली व्यू यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो गाइज फाइनली हमने ऑलमोस्ट आगरा का जो किला सारा कवर कर लिया है, ऊपर अब कुछ भी नहीं है, हम टॉप पे खड़े हैं इस वक्त। और गाइज मैं दिखा रहा हूँ अपने पीछे आगरा का ताजमहल पीछे देखो गाइज, अभी मैं दिखा ये देखो गाइज। सो गाइज मैं आया हूँ अभी एक और जगह, इस जगह का नाम नहीं पता है, बट मेरे जो स्टाफ के लोग हैं ना जो स्कूल टूर के बच्चे हैं उन्होंने ये चीज़ मिस कर दिया, वो निकल चुके हैं, कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं तुम आ जाना, तो मैं तो सारा ही कवर कर रहा हूँ। और गाइज देखिए कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ पर, देख सकते हो गाइज आप। तो गाइज फाइनली मैं घूम लिया हूँ आगरे के किले में पूरे में गाइज, और जो मेरे साथ के लोग थे ना स्कूल स्टाफ और स्कूल के बच्चे, उन्होंने तो आधा भी नहीं घूमा था, वो चले गए थे तभी यहाँ से निकल के, और मुझे ना अभी उनका इंतज़ार करना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ पर हैं वो लोग, मुझे नहीं उन्हें मेरा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि वो मुझसे काफ़ी देर पहले निकल चुके हैं यहाँ से। तो मैं जा रहा हूँ अभी, मेरा वेट कर रहे होंगे गेट पे, वो फिर जा पहुँच गए होंगे बस पे, तो वैसे मैं अकेला भी पहुँच जाऊँगा यहाँ से। अगर जी यहाँ पर देखो कितनी ज़्यादा जनसंख्या, और भाई इतने इतने दूर से लोग आ रखे हैं ना यहाँ पर गाइस, और यहाँ पर ना एक देखो गाइस क्या है कुआ पानी का, बट जाल लगा हुआ है, लोग ना देख रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं बावली दीवाने आम। तो गाइज ये है अनलिमिटेड गहराई गाइज, देखो गाइज इसके अंदर ना पानी है, ये कुआ है पानी का, अब पानी अभी भी है इसके अंदर, यहाँ पे ना देखो कितना गहरा है, अंदर देख सकते हो गाइज आप। गाइज अंदर है ना जीना आ रखा है अंदर से, बहुत नीचे जाके पता नहीं कहाँ से रास्ता आ रखा है अंदर, शायद ये नहाने के लिए, पता नहीं कैसे था यार, पता नहीं मुझे कुछ समझ कंफ्यूज हो रहा हूँ गाइज मैं यहाँ ये चीज़ देख के ना बहुत ज़्यादा, अंदर से ना जीना आ रहा है गाइज, देखो ये जो दिख रहा होगा आपको यहाँ से सीढ़ियाँ अंदर से ज़मीन में जा रही हैं पता नहीं कहाँ। तो गाइज बस चल रहे हैं, और गाइज ऐसी ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिल रही है ना, बहुत ही ज़्यादा भयंकर चीज़ें देख के ना मैं इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि पता नहीं समझ में ही नहीं आ रहा कुछ क्या क्या है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ मैं। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना यहाँ पर, उनके बारे में सोचना एक लिमिट भी क्रॉस हो जाएगी तब भी नहीं सोच पाओगे आप कैसे हुआ होगा ये चीज़, पता नहीं कैसे कैसे इन लोगों ने ये बनाया होगा गाइज, बहुत ही यार क्या ही कहें। तो गाइज अभी ना यहाँ से बाहर निकलना है मुझे, ये गेट है बाहर जाने के लिए, अभी दो तीन गेट क्रॉस करने पड़ेंगे लेकिन अभी इससे निकलते हैं। तो गाइज फाइनली ये वाला गेट क्रॉस कर दिया है, अब जाने हम नीचे। तो गाइज फाइनली चलते हैं नीचे, हमने ना पूरा आगरा का किला कवर कर लिया मैंने, बट मेरे जो स्टाफ के लोग थे और जो स्कूल के बच्चे थे उन्होंने नहीं करा, वो चले गए बहुत पहले, और गाइस आवाज़ भी नहीं निकल रही है क्योंकि हमें ना सुबह से ना पैदल चल रहे हैं, पहले हमने ताजमहल देखा था और उसके बाद हम आए थे आगरा किला देखने के लिए, तो गाइस पूरी बॉडी की ना एनर्जी ख़त्म हो गई है, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही, थक चुका हूँ मैं बहुत ज़्यादा, मैं ही नहीं मेरा पूरा स्टाफ जो भी लोग हैं यहाँ के सारे थक चुके हैं, तो बस अब रेस्ट करेंगे, यहाँ से निकलेंगे अब वृंदावन या मथुरा के लिए, अब बस पर जाके अभी खाना वाने का प्लान जो भी होगा दिखाएंगे हम आपको। तो अभी किला से मतलब जो आगरा का किला यहाँ से बाहर निकलते हैं गाइस, फाइनली आगरा के किला से लेते हैं बाहर निकलते हैं, मतलब जो मेन गेट है वहाँ से भी हमने एंट्री नहीं मतलब बाहर निकल गए, पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ मैं क्योंकि भाई बोला भी नहीं जा रहा ठीक से मेरे से, तो कन्फ्यूज़ सा हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा क्योंकि यार एनर्जी नहीं है बॉडी में बिल्कुल भी। तो इसी गेट से हमने एंट्री करी थी, तो फाइनली यहीं से अब जा रहे हैं हम बाहर। तो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ अभी आगरा के किले से बाहर, और अभी है ना मुझे अपनी बस पे जाना है क्योंकि वो लोग जो मेरे स्टाफ के हैं ना यहाँ पे कोई भी नहीं है बाहर, सारे बस पे जा चुके हैं, मेरे पास अभी कॉल आई थी सर की, कह रहे थे कितनी देर में आएगा, हम तो पहुँच गए बस पे, तो मिलते हैं आपको बस पे चल रहे हैं। सो गाइस फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ इन बच्चों के पास जो स्कूल के हैं, भागते भागते ना सांस ऊपर नीचे हो गई, बट मैंने ये ना पकड़ लिए, और गाइस पता है हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, सांसें ना ऊपर नीचे कर रही है क्योंकि मैंने भाग के आया था, और ये लोग तो अभी आधा घूम के आए थे, मैं पूरा घूम के आया था तब भी इनके बराबर में मैं अभी भी आ चुका हूँ। तुम नहीं घूम गए पूरा वो किला सच, अरे रहने दो, अब जहाँ से सर वापसी लेके आए ना तुम्हें वहाँ से आगे गया था मैं, भाई हम फुल घूमते हैं फुल टोटल, तुम इन्हें वापसी ले आए थे ना उल्लीओल से ही, मैं उससे आगे गया था हाँ अंदर पल्लीओल। तो फाइनली मैं घूम के आ चुका हूँ इनके पास। तो गाइस फाइनली अभी हम आ गए अपनी बस पे, और गाइस हालात ने इतनी ज़्यादा डाउन हो चुकी है ना बहुत ज़्यादा, पूरी बॉडी में ना पेन हो रहा बहुत भयंकर वाला, तो अभी ना रेस्ट कर रहे हैं सारे लोग और यहाँ से निकलने वाले हैं मथुरा के लिए, और अभी जिस भाई को भी शॉपिंग करनी होगी जिस बहन को, तो वो शॉपिंग वगैरह करेंगे उसके बाद निकलेंगे सीधा मथुरा के लिए। सो गाइस अभी ना हम शॉपिंग करने आए आगरा का जो फेमस पेड़ा है यहाँ से परचेज कर रहे हैं भैया की शॉप से,
तो गाइस मैं परचेज ये या ये ले रहा हूँ। गुरुजी कौन सा लो, कौन सा बेस्ट था? ये चॉकलेटी वाला ले लो, चॉकलेटी वाला। हाँ, गाइस सर कह रहे हैं चॉकलेटी वाला भैया ये एक दे दो। तो गाइस फाइनली ये वाला पेठा मैंने परचेज कर लिया एक बॉक्स। मतलब आगरा का ना पेठा बहुत फेमस है मैंने सुना है और यूट्यूब पे भी देखा बहुत बार, तो ये मैंने ले लिया है। और बाकी तुम ना ले रहे भाई? लेंगे, ले हो ना। तो गाइस यहाँ से ना शॉपिंग करके निकलते हैं थोड़ी देर में। जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं ना सारे एकजुट हो गए, देखो इधर पेठा खरीद रहे और इधर लड़कियाँ पता नहीं क्या क्या ले रही हैं। तो यहाँ से ना अभी हम निकलेंगे बस वृंदावन के लिए, तो बस थोड़ी देर रुकते हैं यहाँ पे फिर निकलते हैं वृंदावन के लिए। तो गाइस अभी है ना हम शिवानी को ऐसे जूती दिलवा रहे हैं, ये कह रहे जी चाचा जूती दिलवाओ, चल अंदर चलना, इसके पैर की जूती दिखाओ। तीन नंबर की जैसी भी जो इसे बेस्ट लगे देखना कौन सी लेगी। अभी है ना ये जूती देख रही है शिवानी, दो पसंद आ रही है, एक तो ये वाली दो गाइस कितनी प्यारी है ये, एक ये और एक इसके पैर में डली हुई है। कौन सी बेस्ट लग रही है इनमें से बताओ, कौन सी अच्छी लग रही है तुझे? ये वाली इसे ले ले फिर, ये वाली। तो गाइस ये वाली जूती परचेस करी है शिवानी ने, सही है ना पैर में? चल फाइनली मैंने शिवानी के लिए जूती परचेस कर ली है, ये बोल रही थी इसलिए मैं दिलवा रहा हूँ उसे। मतलब ये पहली बार तो मेरे साथ घूमने आई है, जो ये मांगे ना दिलवाओ तो फिर बात बेकार है। तो मैंने इसके लिए जूती ले ली है वाली, तो अभी लेके चलते हैं बस पे। तो गाइस हालत ने इतनी ज़्यादा मतलब डाउन हो चुकी है ना बहुत ज़्यादा है, तो मैंने ना अपना चार्जर उठा लिया है अभी, स्टिंग एनर्जी ये रही, इससे ना पूरी बैटरी चार्ज हो जाएगी मेरी अभी फुल। क्या हुआ सच में इसमें ना, इसे पीने के बाद ना एनर्जी आती है बहुत ज़्यादा, मतलब जो क्या ऐड नहीं सच में मैंने फील करा, पता है हम नहा गए थे ना नैनीताल तो इतनी थकावट महसूस हो रही, जब ये पीना तो निकल गई थी ऐसे मजे लो। तो गाइस हमने ना ऑलमोस्ट सभी ने, जो सारे बच्चे और स्टाफ के लोग हैं सभी ने ना शॉपिंग कर ली है, जिसको भी जो लेना था सभी ने ले लिया है। तो अभी हम चल रहे हैं बस पे, उसके बाद निकलेंगे सीधा वृंदावन के लिए। तो गाइस फाइनली अभी हम निकल रहे हैं वृंदावन के लिए, सारे लोगों ने शॉपिंग कर ली है, जो भी लेना था यहाँ से, जो भी लेना था आगरा से सब कुछ ले लिया है। तो मिलते हैं आपको वृंदावन में, मिलते नहीं है मतलब आपको नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा आपको कल वो, क्योंकि ये वाला ब्लॉग भी आगरा का किले का ना बहुत ज़्यादा लंबा हो गया गाइस, मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया गाइस ब्लॉग ये, इसलिए मैं ये वाला ब्लॉग ना अभी यहीं पे एंड कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा आपको वृंदावन प्रेम मंदिर का, नाइट को हम वही देखेंगे। तो गाइस ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो गाइस कैसा लगा हमारा ब्लॉग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताना। गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। जिस भाई ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हमारी हर एक ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप देख पाए हमारे ब्लॉग सबसे पहले। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।